जानते हैं कि माइकल मैक्स ने 2012 में कैनवस 2 को लॉन्च करके अपना उम्दा नाम कमाया था और एक बार फिर से इस फोन को रीलॉन्च करके कंपनी कुछ ऐसा ही करना चाह रही है। जी हाँ, माइकल मैक्स ने लॉन्च किया कैनवस 2 2017 और आज हम आए इस इवेंट पे, इसलिए मैं आपको इस फोन के बारे में सारी डिटेल्स बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी का दावा है इस फोन की स्क्रीन अनब्रेकेबल है क्योंकि इसमें दी है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन, साथ ही साथ इसका डिजाइन भी काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन पॉलीकार्बोनेट बॉडी होने की वजह से मैं इससे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ और क्योंकि इसका बैक काफी ज्यादा ग्लॉसी है इसलिए ये फिंगरप्रिंट्स भी आसानी से पकड़ रहा है। इस फोन के दूसरे स्पेक्स की बात करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा 5 इंच का HD डिस्प्ले, लेकिन अगर फुल HD होता तो हम थोड़ा खुश होते, हालांकि ब्राइटनेस लेवल काफी अच्छे हैं। साथ साथ इसमें आपको मिलेगा MediaTek का 6737 प्रोसेसर, 3GB की रैम, 16GB की स्टोरेज और 3050mAh की बैटरी। अब फोन के स्पेक्स देखेंगे तो ये कुछ खास नहीं है, ये आपको लगभग 7 से 8 हज़ार के फोन में मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दूँ कि इसमें दिया है 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। और यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि कंपनी का ये पहला फोन है जिसमें आपको एंड्रॉइड मौका मिल रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेक्स एवरेज है लेकिन इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है, यानी ये है 11,999 रुपये का। और यहाँ पर आपको बता दूं कि ये फ़ोन खास तौर पर ऑफलाइन मार्केट में उतारा है, इसलिए इसकी प्राइसिंग जायज़ है और वो लोग जो सिर्फ ऑफलाइन फ़ोन खरीदना पसंद करते हैं उनके लिए ये भी एक अच्छी चॉइस बन सकता है। और जैसा कि आपको बताया कि कंपनी इसे अनब्रेकेबल बोल रही है, पर उसके बावजूद भी अगर इसकी स्क्रीन टूट जाए तो कंपनी उसके लिए 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रही है। इसके अलावा कंज्यूमर्स को और भी अट्रैक्ट करने के लिए माइक्रो मैक्स ने AD के साथ टाइप किया है जिसमें कंपनी नए और पुराने प्रीपेड यूजर्स को 1 साल तक का फ्री 4G डेटा और अनलिमिटेड वॉइस कॉल दे रही है। यानी अगर इसे कैलकुलेट करें तो साल भर में लगभग 4,000 रुपये का आपका बिल बच जाएगा। तो ये था माइक्रो मैक्स कैनवस 2 का मेरा फर्स्ट इंप्रेशन। अगर आप इस फोन के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं इस फोन का रिव्यू लेके आऊँ तो प्लीज़ उसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और भी ऑफलाइन फोन के बारे में बताऊं और आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें आपको बताऊं कि ऑफलाइन मार्केट में कौन से फोन अवेलेबल है, तो प्लीज़ वो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन।